हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के बज चुके हैं 2 और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। आज आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। और काम मेरा हो चुका है, बस अंजलि के चक्कर में आज लेट हो गया। आज उनके कॉलेज में पार्टी थी और वो आ भी नहीं रही अब, क्योंकि 2 बज चुके हैं। अभी वो मना कर रही है कि अभी मतलब नहीं हुई उनकी पार्टी, टाइम लगेगा, तो इसी चक्कर में बस। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, फिर मिलती हूँ आपसे। और क्या लेके आऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं लाना मेरे को यार, क्योंकि देखती हूँ जो लगेगा आपको दिखाऊंगी आके क्या लाऊंगी क्या नहीं। चुटर पुटर वाली चीज़ तो मेरे को कुछ नहीं लानी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आने के बाद, बाय बाय। तो अभी हम मार्केट में गए, फिर बहुत रश था। और ये देखो, एक कार्टून सा बन के आ रहा था, मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यार बहुत भीड़ था, थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, थोड़ी सी आगे बनाई थी, उसी वही से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मतलब ये तो थोड़ा अंदर की साइड आ गए थे, जहाँ मतलब मार्केट में घुसे ही थे ना, वहाँ इतनी वो भीड़ थी, जाम लगा हुआ था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। और यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे, मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो पानी पीने के लिए रुके थे इधर इस शॉप पे। एक पे पहले देखा, उस पे नहीं मिला, तो फिर यहाँ से पिया था। और अभी हम आगे की तरफ जा रहे थे थोड़ी सी, तभी वहाँ खड़े थे, पानी पिया था, वहीं से क्लिप ली थी। आज तो रहती है, पता है इस टाइम तो मतलब धनतेरस वाले दिन तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यार सभी जाते हैं धनतेरस पे मार्केट में। तो ये थोड़ी सी आगे की क्लिप और बनाई थी मैंने, मतलब शॉप पे खड़े हुए थे वहीं की बनाई थी ये। मतलब आते टाइम थे, बस मार्केट से निकलने वाले थे, तो उसी टाइम मतलब ये बनाई थी क्योंकि लेट हो गए थे यार, जल्दी जल्दी में। बस यहाँ से कुछ मतलब जो आपको दिखाई थी आगे दिखाऊंगी, यहाँ से क्या लिया था आपको। और ये शॉप थी, बस छोटू सी तो नहीं थी, बड़ी थी। और ये देखो, इधर बच्चे चला रहे हैं अनार और मैं बाहर थी। ये देखो, इसने बेटे ने बनाई थी क्लिप, और ये बजने वाला फोड़ने बिल्कुल इतना ज़ोर से फूटा था ये अनार, उसी की बेटे ने बनाई थी क्लिप। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी इसकी, मैं भी नीचे ही खड़ी थी उसी टाइम, तभी बनाई थी उसने, क्योंकि आज धनतेरस था। एक दीपक जलाते, और ये है हमारा घर, ये साइड वालों का है, ये इधर वाला हमारा है। और आज पूरी गली में रोशनी रोशनी हो रही है, पूरा घर सज गया जैसे दुल्हन की तरह। कैसा लग रहा है आपको? ये देखो, पूरी हमारे वाली रो में पूरी में लाइटिंग हो रही है अच्छे से, और ये पटाखे फोड़ रहे थे, ये बजर बजने वाला ना। मैं बाहर बैठ गई थी क्योंकि यार मार्केट से आई थी, वैसे ही लेट हो रही थी, फिर आके थोड़ी देर में बाहर बैठ गई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और अभी सुबह शाम के मतलब 8 बज रहे हैं यार, इवनिंग हुआ है। और अभी हम पता है मार्केट गए थे हम 2:30 बजे इवनिंग में गए, और पहुँचे इतने 2:30 बजे ही गए थे शायद, 2:15 या 2:30 बजे गए थे। 3 बजे तक मार्केट में पहुँचे, और इतना रस था, इतना रस था आज मार्केट में, बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भीड़ थी। आपको पता ही है भाई, भीड़ तो रहेगी ना, अब आज धनतेरस थी और वैसे दीपावली तक अभी इतनी भीड़ रहेगी। और आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरे जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उस चक्कर में पता है जो मतलब 2.5 या 3 घंटे के अंदर ये मार्केट से वापस आ सकते थे, लेकिन उस भीड़ के चक्कर में और नहीं आ सके, फिर इतना लेट हो गया, बहुत ज़्यादा। अभी मतलब 7:30 बजे, 7:15 या 7:30 के बीच आए हैं, और वो भी मेन रोड पे मतलब छोड़ के आए थे और लेके आए थे, वरना अगर पैदल आते तो फिर 8 बज जाते हमें। और आज मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि कल से जुकाम हो रहा है, और दिन में तो ऐसे हो गया था जैसे बुखार हो गया। और त्योहारों पे काम इतने हो जाते हैं, और मैं बीमार हो गई तो घर में काम कोई नहीं करेगा। और देखो कैसा पड़ा है, ऐसे पड़ा है, नहीं दिखाऊंगी अब तो। मैं आपको जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ छोटी सी, वो दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके आई हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट तो मेरा ये टॉप ही देख लो मैं अपने से ही शुरुआत कर देती हूँ, मैं अपना टॉप लेके आई हुई है फुल बाजू का, क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है। और इसमें डिजाइन बना हुआ है, ये मत सोचना कि कटा फटा डिजाइन है इसमें, छोटू सा मतलब इसकी बाजू पे दोनों साइड है, इसमें भी है और इसमें भी, दोनों बाजू पे छोटा सा डिजाइन बना हुआ है, ये टॉप है, क्योंकि सर्दी आ रही है, सर्दी में फुल। और इसका गला थोड़ा मेरे को अजीब लगा ना, मैं लेके तो आई, तो मेरा तो सिंपल सा लेके आई मैं घर पे पहनने के लिए, और कुछ नहीं लेके आई।
अब मैं दिखाती हूँ मेरे गुल्लू की, मेरे गुल्लू की शर्ट देखो, नेवी ब्लू कलर की। यार इसमें साफ ही नहीं आ रहा, कैसी आ रही है, ये कलर ही नहीं आ रहा इसके अंदर, तो क्या हो रहा है पता नहीं, लाइटिंग की वजह से हो रहा है क्या। ये देखो पास से दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ ये वाला कलर है, ये ऐसी है कुछ, पता है वो मतलब मेरा बेटा और मतलब हस्बैंड दोनों ही मतलब सिंपल ज़्यादा पहनते हैं, प्रिंट वगैरह की या फिर कहीं भी कुछ लगा हुआ वो नहीं पहनते, बिल्कुल सिंपल वाली पहनते हैं, तो दोनों के लिए सिंपल ही लेके, मतलब जैसे हस्बैंड को पसंद है ना वैसे लेके आई, क्योंकि वो पहनते हैं, मेरे को पता है कैसे पहनते हैं, तो इनके लिए तो ये नेवी ब्लू बिल्कुल प्लेन वाली लेके आई। जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ मैं ना, टाइम ख़राब करते और अंजलि इसको दो बारी पहन के निकाल निकाल के जा चुकी, फिर पहन लेती है फिर बोलती है इसको उल्टा कर करके पता नहीं कैसे कैसे पटक के चली गई अपना, उसका एक टॉप लेके आई हूँ क्योंकि अभी घर जाना इसीलिए ज़्यादा नहीं लेके कुछ, उसका ही कलर ब्लैक सिंपल सा है, कुछ नहीं है मतलब इसमें ये बटन से लगे हुए हैं, इस साइड भी बटन है और ये जो है ना दोनों साइड डोरी है, ये बटन बंद करने वाले हैं इधर। उसको एक कलर अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा मतलब रियल कलर नहीं आ रहा फ़ोन के अंदर, और अच्छा है ऐसा है कुछ, इसने खोल दिया मेरे से बंद नहीं होगा फिर बार बार में, और सिंपल है कोई डिजाइन विजाइन नहीं है इसमें, फुल स्लिप्स का है क्योंकि सर्दी आएंगी तो फुल स्लिप्स ज़रूरी है, और मेरे बेटे की लेके हर कलर है मतलब उसके पास तो ये कलर नहीं था तो उसका भी ये लेके आई, हाँ रियल कलर आ रहा है इसका तो, ये देखो फुल स्लिप्स के उसके भी, वो भी पता है प्लेन ही ज़्यादा पहनता है, टी शर्ट नहीं पहनता और शर्ट ही ज़्यादा, मतलब सर्दी में अब उसको शर्ट ही चाहिए, टी शर्ट भी पहन लेता है, दोनों मिक्स पहन लेते हैं, और कपड़ों में तो बस सबके एक 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 सबकी शर्ट टॉप लेके आई बस, तो पैंट वगैरह पता है बहुत पड़ी है अभी शादी में, और अब आगे शादी आ रही है तो फिर नहीं है, तो नहीं लेती है, और ये लेके आई कुशन कवर, मतलब अपने पापा के कुशन लेके आई, ये देखो क्योंकि मेरे सोफा के कवर सेम ऐसे ही हैं इसीलिए, हाँ ये रियल आ रहा है, ये 35 का पीस है, और 5 ये 5 है, और कपड़ा इनका अच्छा है, देखो पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो दो एलिफेंट का, ये देखो सही एलिफेंट का जोड़ा है ये, और इनके दो छोटे छोटे से बच्चे, ये रे इनके छोटे छोटे से दो बच्चे हैं, अब रियल आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको बताना, मेरे को तो अच्छे लग रहे, बेड पे वहाँ रखूँगी बेड के ऊपर, और एक लेके आई मैं झूमर, ये देखो मैं दिखा दिए आपको, और दो हैं ये वाली मतलब जो गेट के ऊपर लगाते हैं ना, ये ऐसे नहीं दिखेंगी यार, इसको ऐसे करके दिखाना होगा, ये देखो दिख रही होगी ना, ये पूरी मतलब गेटों के साइडों में लगती है ना, ये वो वाली हैं, तो उसका पीस है ये भी जोड़ा, ये भी ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों, ये भी इनका ये सेम ही चीज़ है, मतलब ये थोड़ा सा अलग है इससे बस, इस पे नीचे ये है बैल सी, ये जो बैल दिख रही है ना ये बैल, ज़्यादा चटरपटर मेरे को पसंद नहीं है भाई, मेरे को खाली खाली घर अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा भरा भरा हुआ अच्छा नहीं लगता, और ये पीछे जो मैं वो रखे हुए ना वो गमले लेके आई थी, तब मैं 4 लेके आई थी, सुमित ने उठा के 2 ऊपर ले गया तो वो 2 रह गई, तो 2 ये और लेके आई हूँ मैं, ये थोड़े अलग है, इनमें थोड़ा येलो येलो है, उनमें पूरा वाइट था, मतलब इनमें जहाँ येलो है ना उसमें वाइट था, और इसमें ये
येलो है। और क्या चीज है? हाँ दीपक है, वो दिखाती हूँ आपको। पता है क्या, मतलब मार्केट जाने के बाद ये हो जाता है, ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन फिर है ना दीपावली जाने के बाद ये हो जाता है, उनको रखे कहाँ 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 रखे, ये हो जाता है ना प्रॉब्लम, ये हो जाती है रखने वाली, पहले लगा लगा के रख लाते रहो फिर उनको रखने के लिए कहाँ रखे कहाँ रखे, फिर मूड खराब हो जाता है ना, ऊपर नीचे पता नहीं कितनी चीजें हो जाती है हर दीपावली पे लेके आते हैं, तो सारे नहीं निकाल के दिखाऊंगी आपको। बस ये देखो, ये दीपक लेके आई मैं, ये मतलब ज्यादा नहीं लेके आई, ये सात सात है या दस है, इतने ही है, ऐसे नहीं दिख रहे, ऐसे देख। और जो सिंपल वाले होते हैं ना वो लेके आई मैं 51 51, जिनको हिंदी हिंदी समझ नहीं आती उनको बता देते 51। तो और ये है 11 दीपक ये हैं, और वो है, और मोमबत्ती लेके आए क्योंकि मोमबत्ती लगाएंगे, पता है दीपक इतने नहीं जलाते तो मोमबत्ती जला, उसमें कल भी जलेंगे आधे, तो छोटी दीपावली पे भी जलाते, आज धनतेरस थी तो आज एक जलाया है। तो ये क्या है, इसमें तो मोमबत्ती है, चार पैकेट मोमबत्ती का, मोमबत्ती का क्या दिखाना है बस बताइए आपको। ये प्रसाद है जो खील वगैरह होती हैं, खिलौने वगैरह मिठाई मीठे, वो जो खिलौने होते हैं वही सब समझते हैं, हमारी भाषा समझ जाना बिना बता। ये तो छोटी रंगोली है, ये तो पता है मैं मंदिर के लिए लाई, मंदिर के मतलब अंदर अंदर चिपकाने के लिए लेके आई, और जो है ना बड़ी वाली और दो वो अलग लेके आई। यार कैसे कैसे हो रहा है, वेलकम उल्टा दिख रहा है, मेरी साइड से सीधा है लेकिन इसमें उल्टा दिख रहा है। ये देखो दो बड़ी वाली है, वो कहाँ रख दी पता नहीं उसे। और ये भी गेट के लिए है, पिंक कलर की, दोनों साइड गेट में टांगने वाली है। ये देखो इसका हुक है, ये हुक में डाल के और टांग जाएंगी मेन गेट के बाहर। एक ये वाली है, एक ये वाली, बिल्कुल पिंक कलर है ये वाला, ये है। और क्या लेके आई थी गुल्लू में, मेरा टॉप, हाँ तेरा टॉप दिखा दिया, रंगोली थी वो दिखाई नहीं, हाँ वो कुछ, हाँ